हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। पहले के लोगों का सेहतमंद रहने का राज पता है क्या था? बाजरे का आटा। जैसे ही सर्दी शुरू होती थी, वो अपना गेहूं का आटा बदलकर बाजरे के आटे की रोटी बनाकर खाते थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बनी रहती थी और सेहतमंद भी रहते थे। तो आज हम भी उसी बाजरे के आटे से बनाएंगे रोटी। दिवा में हमें बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बाजरे में गर्माहट होती है और जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो करना क्या है, बाजरे का आटा ले लेना है, बिल्कुल फ्रेश आटा। आप फ्रेश ही लें, 2-3 दिन पुराना ना लें, क्योंकि वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए आप फ्रेश आटा लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भिगोएं। जितना ज़्यादा हम इसमें लोच मारेंगे ना, उतनी ही हमारी रोटियां सॉफ्ट बनेगी और नरम बनेगी। आप इसे गरम गरम बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आज हम इसे बनाएंगे बाजरे की रोटी और कढ़ी के साथ खाएंगे। कढ़ी की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाल रखी है, कढ़ी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कढ़ी भी मैंने काफ़ी तरह की बना के डाल रखी है, 4-5 तरह की, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह हम आटे को अच्छे से मथ लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको आटे को मथ लेना है। तो देखिए, ये हमारा सॉफ्ट सा आटा लगकर तैयार है। अब हमने जो कढ़ी बनाई है वो उतार लेते हैं। ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार है, तो अब हम इसे उतार लेंगे और तवा गर्म कर लेंगे। एक पेड़ी लेंगे और इसे हम गोल गोल घुमा करके गोल गोल कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको दो तरह से बनाना सिखाऊंगी, दो तरह से बताऊंगी आपको बनाना। एक तो हम हाथ से बेल कर डालेंगे और एक हम डालेंगे बेलन से। पहले तो मैं हाथ से बेलना सिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा हम सूखा आटा नीचे डालेंगे और थोड़ा सा हम अपने हाथ में लगा लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे फिराएंगे। यदि आपसे ये गोल नहीं बन रही हो तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डाल लें और थोड़ा सा और फिरा लें। इस तरह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिराएं तो आपकी रोटी बिल्कुल गोल बनेगी। आपको हाथ से बनानी ना आए तो मैं बेलन से भी बताऊंगी बेलन से किस तरह बनानी है। तो इस रोटी को हम तवे पर डाल देते हैं। ये हमने पलट दी थी और एक साइड से सिकने के बाद अब दूसरी साइड से हम गैस के ऊपर से सेकेंगे। तो देखिए, इस तरह से सिक कर तैयार होगी हमारी बाजरे की रोटी। देखो, फूली फूली बनी है ना हमारी बाजरे की रोटी। जो रोटी फूलेगी ना, तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। आप इसको धीमी आंच पे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी दूसरी रोटी बेलन से कैसे बनाएं। थोड़ा सा सूखा आटा नीचे डालें, थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है इसको। जरा इस पर बेलन का बिल्कुल भी जोर नहीं देना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे तो हमारी रोटी बिल्कुल गोल बनकर तैयार हो जाएगी। इसको भी हम तवे पर डाल लेते हैं और गैस को धीमा कर देते हैं। एक साइड से देखिए, हमारी रोटी सिक चुकी है। दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे। तो पीछे की साइड से सिकने के बाद हम इसको गैस पे फुलाएंगे। देखिए, गैस पे भी हमारी रोटी बिल्कुल फूल कर तैयार हो गई है। तो देखिए, इस तरह से हमारी दूसरी रोटी भी फूल गई है। तो आप इसे पहले गैस पे तवे पे रखें, तब मंदी करके बनाएं और फिर बाद में इसको तेज गैस में सेक लें और इसके ऊपर से लगाएंगे शुद्ध देसी घी। घी लगाने के बाद तो बाजरे की रोटी का स्वाद ही बदल जाता है। मक्खन हो तो आपके पास मक्खन भी लगा सकते हैं, मक्खन से और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और इसके साथ लेंगे हम थोड़ी सी आलू गोभी की सब्ज़ी और कढ़ी, दो लेंगे हरी मिर्च और गुड़। गुड़ के साथ में इसे खाइए, बहुत ही स्वाद लगती है बाजरे की रोटी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।